दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। प्रचार प्रसार के आखिरी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर रोड शो। एमपी के सीएम ने दुधी विधानसभा में उपचुनाव में किया रोड शो। लोकसभा प्रत्याशी रिंकी कोल और विधानसभा प्रत्याशी श्रवण गौर के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। लोगों ने भाजपा को वोट देने की अपील। दुधी से महुली 8 किलोमीटर तक प्रस्तावित था रोड शो। मोहन यादव ने महुली में जनसभा को किया संबोधित। और मुझे यहाँ के बाद दो स्थान पे और सभा लेना और जगह भी जाना है, लेकिन चिलचिलाती धूप के अंदर जिस प्रकार से आपका उत्साह उमंग बता रही है, मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ और आपके माध्यम से आशीर्वाद दिलवाना चाहूंगा। श्रवण गौर जी को जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद दे हाथ अपने गौर जी के लिए। ये जोश, ये उमंग, ये आपकी आवाजों की बुलंदी ये बता रही है कि अब आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है और आखिरी चरण के चुनाव का आखिरी दिन है। दुनिया की कोई ताकत अब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने वाली नहीं है। लाख चाहे तो क्या होता है, होता है वही जो भगवान राम चाहे जो होता है। भगवान राम के मामले में, भगवान कृष्ण के मामले में पूरे देश के अंदर ये घमंडिया गठबंधन जो कहने के लिए इतना झूठ बोलते हैं, कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, कितनी तरह से बात करते हैं, हम गरीबी हटा देंगे। अरे गरीबी हटाते हटाते 5 पीढ़ी इनकी प्रधानमंत्री बन गई। जवाहरलाल नेहरू 17 साल प्रधानमंत्री रहे, उनकी बेटी इंदिरा गांधी 18 साल वो प्रधानमंत्री रही, 5
बाद में इनके लोगों की सरकार चली, सोनिया गांधी ने 10 साल से मनमोहन सिंह की पीछे से सरकार चलाई, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई। एक गरीब का बेटा देश के अंदर केवल 10 साल से प्रधानमंत्री है, तो गरीबी के लिए भी निशुल्क मकान बनाकर देने का अगर कोई ने इतिहास बनाया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला। गरीबों की जिंदगी बदली है, हमारे वोट से गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है और ये गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है। मुझे इस बात का आनंद है, आप सबका आशीर्वाद है। मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो घोष वाक्य है, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कहने के लिए नहीं है, ये करके दिखाने के लिए है। इसी कारण से हम में से मौका मिलता है और आज उम्मीद करो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति, हो सकता दूधी से कोई भविष्य में मुख्यमंत्री बन के निकले, इसमें भी कोई शंका नहीं। ये है भारतीय जनता पार्टी की भावना और ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच। आपने 2 बार वोट दिए माननीय मोदी जी को, 1 बार वोट दिया देश से आतंकवाद समाप्त किया, जोरदार अभिनंदन करें, 2014 का वोट पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारने का और देश से आतंकवाद समाप्त करने का, और दूसरी बार का वोट धारा 370 समाप्त करने का, 3 तलाक समाप्त करने का, और अयोध्या में भगवान राम के मुस्कुराने का भी वो वोट दिया है। बोला जय श्री राम। आज अपने बीच जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ और बाबा महाकाल का महालोक भी वहाँ आनंद से बाबा महाकाल मुस्कुरा रहे, एक बार जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की। महाकाल मुस्कुरा सकते, अयोध्या में राम जी मुस्कुरा सकते, तो आपको मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा? मथुरा वाले का नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोला प्रश्न कन्हैया लाल की। आपका वोट हमारा सबका कन्हैया के मुस्कुराने का है। आपके वोट से श्रवण गोड़ जी विधायक बनेंगे, जोरदार ताली बजाओ। और आपके वोट से फिर तीसरी बार सरकार बनेगी, अयोध्या में भगवान राम का आनंद आया, जेल में बाबा महाकाल का आनंद आया, और द्वारका के अंदर भी आप जाओगे, पहले भय द्वारका जाने के लिए हमको पानी के जहाज से जाना पड़ता है। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के लिए, जिन्होंने आप पुल बनवा दिया, पुल डायरेक्ट अपनी गाड़ी से जा सकते। और आप तो गांव के लोग बैठे हो, आपसे कौन जानता है, समुद्र के अंदर भी डूबी हुई भेंट द्वारका जो भगवान की द्वारका थी, मोदी जी ने मोर पंख रख करके नीचे चढ़ा करके भगवान कृष्ण का सम्मान किया है। आने वाले समय में हम मटकी फोड़ने मथुरा जाएंगे और मथुरा में धूमधाम से गोपाल कृष्ण का आनंद मनाएंगे। बोलो मेरे साथ सब तैयार है? इधर से आवाज, सब तैयार है? बहने तैयार है? मथुरा में आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मोदी जी की सरकार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो और संकल्प करो, एक एक वोट जब तक 1 तारीख। बहन जरा हाथ उठाओ, आप अपने हाथ से बैठे बैठे जो जहां वहां से, एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। और आप इधर भाजपा में जिताओगे, आने वाले समय में मथुरा में भी आनंद आएगा, माखन मिश्री का भोग लगेगा और झूम झूम के जूली नाचेगा और हम सब विजय जुलूस निकालेंगे। बोलो सब तैयार है? भारत माता की, भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। मुझे जल्दी जाना, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ आपके बीच में से, ये अब मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931625789627582294253778
हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।